हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं बोल रहा हूँ अहमद अय्यूब सैफी। आज मैं आपसे फेमकोल के बारे में बताऊंगा, फेमकोल कितने प्रकार के होते हैं और फेमकोल किस कार्य में यूज करना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊँगा। मेरे पास लगभग 8 तरह के फेमकोल है, उसमें SRF और फिक्स का है, सभी तरह के मैं आपको अलग अलग विस्तार से बताऊँगा। आइए देख लीजिए, देखना मेरे पास सभी प्रकार के फेमकोल हैं। फेमकोल मेरी ने, फेमकोल SH है, फेमकोल प्रोबोन है, फेमकोल हीटेक्स है, फेमकोल SR998 है, फेमकोल फोन फिक्स है, फेमकोल SR555 है और बुलबोन LC है। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दूंगा, हमें फेमकोल कैसे और किस प्रकार लगाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बुलबोन के बारे में बताऊँगा। ये जो हमारा बुलबोंड फेमिकोल है, इसको आप पेंट वगैरह में और रही बात आप इसमें सनमाइका का भी चिपका सकते हैं। वैसे तो ये फेमिकोल जो बुलबोंड है हमारा, इसको हम पॉलिश के काम में इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, और पॉलिश में भी जो हम अस्तर बनाते हैं पॉलिश के लिए, उसमें ब्राउन कलर का या वाइट कलर का या रेड कलर का उसमें इस्तेमाल करते हैं, और इससे आप सनमाइका का भी चिपका सकते हैं। सनमाइका का इसमें आप 0.6, 0.7 और 0.8 सनमाइका चिपका सकते हैं। उसके बाद आपका फेमकोल आ गया SR505। इस SR से आप फोम भी चिपका सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर बताऊंगा, इस पर लिखा हुआ है, इस पर आप बस में भी कोई सामान चिपका सकते हैं, रिएक्शन वगैरह, फोम वगैरह, फ्लेक्स वगैरह सारे सामान चिपका सकते हैं। इसमें आप फोम भी लगा सकते हैं, फोम पे भी लगा सकते हैं। मोटरसाइकिल की, कार की, स्कूटर की जो ट्यूब बॉडी होती है उस पर भी आप पंचर वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें आप लेदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप PVC फ्लोरिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैट होते हैं नीचे फर्श बिछाने के लिए उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात जो हमारे पास फेमिकोल फोम फिक्स है, इसे आप जो सोफे का कार्य होता है, मिस्त्री जो काम करते हैं सोफे वगैरह गद्दे में, उससे फोम वगैरह चिपकाई जाती है। इसके बाद आपका आ गया फेमकोल SR998, इससे आप सनमाइका भी लगा सकते हैं और इससे आप सिल्वर शीट भी चिपका सकते हैं, इससे आप स्टील की शीट भी चिपका सकते हैं, इसको आप फोम भी चिपका सकते हैं, सारी चीज़ यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा SR है। और उसके बाद आपका आ गया हीटेक्स फेमिकोल। हीटेक्स को आप जो आपका फर्नीचर काउंटर वगैरह या फ्रेम वगैरह, जो भी आपका फर्नीचर धूम वगैरह में हो, ये जो आपका फेमिकोल हीटेक्स है, इसका जो तापमान में नहीं उतरता है, 170 डिग्री तक के काम करता है। जितना भी तापमान होगा सब सहन कर लेगा, इससे सनमाइका लगाने के बाद नहीं उतरती धूप वगैरह में। ये बहुत ही अच्छा फेमिकोल हीटेक्स है। इसको लगाने का जो तरीका है, पहले आप इसको मिलाएंगे किसी लकड़ी की सहायता से, उसके बाद जब आप इसको लगाएंगे। इसके बाद आ गया आपका फेमकोल प्रोबोंड। फेमकोल प्रोबोंड को आप PVC टेप, यानी कि जो प्लास्टिक की टेप होती है बोर्ड की टक्कर पर लगाने के लिए, उसमें यूज़ करते हैं। वैसे तो जो हमारे मिस्त्री भाई होते हैं SR से भी लगा लेते हैं, लग जाती है उसमें भी, खैर कोई बात नहीं। मगर नहीं, हमको जो PVC टेप होती है, जो बोर्ड की हम टक्कर टेप लगाते हैं, उसे हमें फेमकोल बोंड से लगानी चाहिए। इसका जो असली नाम है प्रोबोंड के नाम से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसमें 500 ग्राम की भी आती है, 2 इस प्रकार की, और वैसे ये 1 लीटर भी आती है, जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से लगा लेना चाहिए। इसके बाद आ गया आपका फेमिकोल SH। फेमिकोल को आप अलमारी वगैरह में और अपने पूरे फर्नीचर पे यूज कर सकते हैं। इसको आप, ये 4.5 घंटे में लगभग सेटिंग हो जाती है इसकी, इसको आप लगा लेना चाहिए। और इसके बाद वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है तैयार, स्पीडेक्स के नाम से जो फेमकोल आता है, उसका जो ढक्कन होता है वो बैंगनी कलर का होता है, मेरे पास तो मौजूद नहीं है। बाकी मुझे उसके बारे में पता है, क्योंकि मैंने उसको यूज़ किया है। उसकी जो सेटिंग है आपकी फेमकोल की स्पीडेक्स की, उसकी 2.5 घंटे की सेटिंग है। मान लीजिए अगर आपको कोई फर्नीचर जल्दी तैयार करना है, जल्दी है, उसकी बहुत ही अच्छी सेटिंग है, और सर्दी हो या गर्मी हो आप बेफिक्र लगा सकते हैं। उसका जो नाम मैं आपको बताता हूँ, स्पीडेक्स, यानी कि फास्ट सेटिंग, वो मेरे पास तैयार नहीं है, हो सके तो मैं आपको अगली बार उस वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद आ गया आपका फेमकोल मेरिन। फेमकोल मेरिन का मतलब ये वाटरप्रूफ फेमकोल।
इसको आप रसोई वगैरह के कार्य में और बाथरूम वगैरह के कार्य में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैं इसको अपने पूरे फर्नीचर में यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फेविकोल है। इसकी सेटिंग में लगभग तीन घंटे तक के सेटिंग कर लेता हूँ और मैं अपना कार्य चालू कर लेता हूँ। आप इसको सभी फर्नीचर में यूज़ कर सकते हैं, लगा के 0.7 से 0.6 से और 1 mm तक के सनमाइका का चिपका सकते हैं। आप इसको पल्ले वगैरह में भी लगा सकते हैं, बाथरूम वगैरह के और विंडो वगैरह के आप पूरे फर्नीचर में यूज कर सकते हैं। मैंने आपको सभी फेविकोल के बारे में, लगभग मेरे पास 8 तरह का फेविकोल रखा हुआ है, मैंने आपको उसकी पूरी डिटेल दी है। अगर आपको किसी फेविकोल के बारे में, लगाने के बारे में कोई तरीका पूछना हो, आप मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको इसके अच्छे से बता दिया है, मेरी फेविकोल के बारे में और SH के बारे में, फेविकोल प्रो बॉन्ड के बारे में, हिटेक्स के बारे में, SR998 फेविकोल, फोन फ्लेक्स और फेविकोल आपका SR505 और बुल बॉन्ड, ये जो बेल है बुल बॉन्ड के नाम से, ये आप स्तर वगैरह में भी और जो फर्नीचर पे इस्तेमाल करते हैं चूल वगैरह में उसमें भी लगा सकते हैं। मैं आपको लगभग सारे फेविकोल के बारे में समझा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल सब्सक्राइब करना। आपका दोस्त मोहम्मद अय्यूब सैफी, शुक्रिया, धन्यवाद।